हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधु एंड संजय। तो चलिए आज मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ड्राई कॉलीफ्लावर का सब्जी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सूखा हुआ गोभी का सब्जी, जो सुखा कर रखी हूँ पहले से। तो आप देख सकते हो सूखा हुआ कॉलीफ्लावर है और यहाँ पानी बॉयल हो चुका है। तो मैं इस गैस को बंद कर दूँगी और इसमें डाल दूँगी इसको। कॉलीफ्लावर है, इसमें आधे घंटे के लिए रहेगा, आधे घंटे तक इसमें पानी में रहेगा। ये पानी में भिजा दिए हैं, आधे घंटे तक इसको भिगो के रखेंगे। नमक ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने से स्मेल नहीं होता है, इसका स्मेल चला जाता है। और 20 मिनट तक इसको मैं फूलने के लिए ऐसे छोड़ दूंगी। पानी में गर्म बॉयल पानी है, इसमें डाल दूंगी। उसके बाद 20 मिनट के बाद ये फूल कर बड़ा बड़ा हो जाएगा, गोभी का जैसा दिखने लगेगा। एक तब इसको बनाने के लिए निकालूंगी। आधा घंटे तक छोड़ देते हैं, 20 मिनट हो जाएगा। 20 मिनट के बाद ये हो जाएगा। उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए मैंने सूखा हुआ गोभी को पानी में डालकर छोड़ी थी। वो कितना ज़्यादा हो गया ना, थोड़ी सी डाली थी, इतना बड़ा ज़्यादा हो गया। पानी में भिजाने के बाद ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इस तरीके से इसको छान कर निकाल लूंगी। पानी गर्म है इसलिए मेरा हाथ जल रहा है। कितना ज्यादा हो गया ना, आधा घंटा पानी में रख दी थी, उसके बाद निकाल रहे हैं। पानी गर्म हो चुका है तो इसमें मैं थोड़ी सी ऑयल डाल के और इसको अच्छे से भून लूंगी हल्के आंच पे, जो ड्राई कॉलीफ्लावर है। तो ये 5 मिनट हो गया है और ये अच्छे से भून गया, तो इसको मैं निकाल लूंगी। तो अब मैं मसाला तैयार करूंगी। गुरु मिर्ची है और जीरा पाउडर है 1.5 चम्मच, और गार्लिक है, और ये धनिया पाउडर, थोड़ी सी गोलमरीच है, और ऑनियन है, और आधा है। ये सबको मिला के एक साथ पेस्ट बनाऊंगी। गर्म हो चुकी है, थोड़ी सी इसमें जीरा डाल दूंगी और तेज पत्ता, ड्राई चिली कटा हुआ ऑनियन। इसको हल्के आंच पे थोड़ी देर भूनूंगी। उसके बाद मैंने मसाला जो तैयार किया है उसको डालूंगी। ये हमारा मसाला का पेस्ट, जो हमने पेस्ट किया सब मसाला, और थोड़ी सी इसमें आलू फ्राई और मटर ऐड करूंगी। तो मेरा प्याज गले फ्राई हो चुका है, तो मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी, थोड़ी सी पानी और इसको थोड़ी सी ढक के हल्के आंच पे पकाऊंगी। तो देखते हैं हो चुका है। इसमें थोड़ी सी गरम मसाला ऐड कर दूंगी, छोटी चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी पानी। इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, उसके बाद हो जाएगा। सब्जी बन के तैयार हो गई है, तो अब खाने के लिए रेडी हो जाइए। और आप लोग भी अपने घर पे बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मधु संजय को। थैंक यू।